हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोयल। आई होप आप सभी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट योर पेपर। ठीक है, इसमें हम काफी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करना है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितनी आपको शीट्स मिलेंगी। ठीक है, पेपर में कितनी शीट्स होंगी, कितने पेजेस पर आपको लॉन्ग आंसर करना है, शॉर्ट आंसर्स किस तरह से करने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। देखिए, पढ़कर हर कोई जाता है लेकिन डिपेंड करता है कि आप लिखते किस तरह से, किस तरह से आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, उस पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो फ्रेंड्स, नाउ सबसे पहले देखिए, हम चाहते हैं कि हमने पेपर कितनी अच्छी प्रेपरेशन की है, तो हम चाहते हैं कि हम इस तरह से लिख के आए कि हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पेपर या तो देखिए 70 मार्क्स का होता है या होता है वो 35 मार्क्स का। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है जो 70 मार्क्स का होता है और 1.5 घंटे का पेपर होता है 35 मार्क्स का। जैसे कि आप जानते हैं तीनों पेपर्स में 3 सेक्शंस होते हैं, ए बी एंड सी। सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, बी में भी 4 क्वेश्चंस होते हैं और ये सेक्शन सी होता है कंपल्सरी सेक्शन जिसमें आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं। क्लियर है? अब अगर बात करें 35 मार्क्स के पेपर की, तो इसमें भी होते हैं 3 सेक्शंस, इसमें 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं, बी में भी 2 क्वेश्चंस होते हैं और सी सेक्शन है, होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का जो कंपलसरी सेक्शन है और इसमें आपके होते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्लियर है? अब देखिए, सेक्शन ए में से आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं लेकिन आपको करने सिर्फ 2 होते हैं। तो सबसे पहला आपका मेन पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि इन 4 क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करें। अच्छे से रीड करने के बाद ये देखें कि आपको कौन से 2 प्रॉपर आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही क्वेश्चन चूज करना कि आपको कौन सा आता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको जो भी क्वेश्चन सही से आता है तो पहले तो उसका जो क्वेश्चन नंबर है, लाइक आपको 2nd क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो आपने यहाँ पे 1 नहीं लिखना कि आप अपनी कॉपी का 1st क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपने आंसर नंबर 2 लिखना है। क्लियर? तो ये नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो सेक्शन आप लिखते हैं कि कौन सा आप सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन और आंसर नंबर, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने बाकी सब कुछ सही लिख दिया, ये 1 नंबर आपने गलत लिख दिया, आपका पूरे के पूरे 10 नंबर गए समझो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखिए, हम देखते कि अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो आंसर शीट्स होती हैं, आप कितने पेजेस आपके पास होते हैं लिखने के लिए, दैट इज 36 पेजेस आपके पास अवेलेबल होते हैं जिस पर आप अपना पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम 70 मार्क्स के पेपर की बात करें, उसमें आपको 36 पेजेस हैं आपके पास, तो आपने उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 ए सेक्शन में से और 2 आपने करने हैं बी सेक्शन में से, यानी कि 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने लिखने हैं। क्लियर? तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास कितने हैं, 10, और आपके पास शीट्स कितनी हैं, 36। तो ये चीज आपको पहले ध्यान में रखकर चलना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये 5 या 5.5, ठीक है, या तो 5 पेजेस पर आना चाहिए या आपका 5.5 पेज पर ये लॉन्ग क्वेश्चन, हर लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए अगर आप 5.5 की एवरेज लेकर भी चलते हैं तो अगर हमारे पास 36 पेजेस हैं, 5 पेजेस पर आपका 1 क्वेश्चन आता है तो 4 क्वेश्चन आएंगे 20 पेजेस पर। चलिए मान लीजिए आपके आ रहे हैं ये 22 पेजेस आपने इसमें यूज करिए। क्लियर? कोई 5 पेज पर आ रहा है, कोई 5.5 पेज पर आ रहा है, तो 22 पेजेस हमने इसमें यूज कर लिए। हमारे पास बाकी कितने रह गए पेजेस, 14 पेजेस हमारे पास रह गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आपके पास डेफिनेशन पूछी होती है, मीनिंग पूछा होता है, तो उसको आप बहुत ज्यादा खींचना नहीं है उन क्वेश्चंस को। क्लियर? वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको टू द पॉइंट लिखना होता है,
कोई आपको स्टार्टिंग नहीं लिखनी, कोई कंक्लूजन नहीं लिखना, ठीक है, जिस तरह से हम लॉन्ग क्वेश्चन में लिखते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके 10 है तो आप 1.5 पेज पर एक शॉर्ट क्वेश्चन अपना समझ के चलिए। अगर किसी में मीनिंग या डेफिनेशन है तो वो आप 1 पेज पर लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो उसको आप 1.5 पेज पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 पेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये कितने पेजेस हो गए, 15 पेजेस। तो कोई क्वेश्चन आपका आएगा 1 पेज पे, तो कोई 1.5 पेज पे, तो एज एन एस्टिमेट आपके जो 14 पेजेस हैं ये पेजेस सारे कवर भी हो जाएंगे और कोई वेस्ट भी नहीं जाएगा और मार्क्स तो आपके अच्छे आएंगे क्योंकि आप पेपर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने वाले हैं। देखते जाइए अब हमको लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जैसे हम 5-5.5 पेज का करते हैं तो सबसे पहले आपको देनी होती है इंट्रोडक्शन, जो भी टॉपिक आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपको सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देकर फिर उस चीज का मीनिंग, मीनिंग डेफिनेशन। तो देखिए इसमें जो डेफिनेशंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 2 या 3 राइटर्स की आपको डेफिनेशन पक्का ही लर्न करके जानी है, ठीक है, और प्रॉपर से लिखना कि ये किस पर्सन ने ये डेफिनेशन दी है, तो उसके बहुत मार्क्स होते हैं, हर चीज के मार्क्स डिवाइड किए होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो डेफिनेशंस लिखने के बाद आपका अगर उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है किसी चीज की तो उसको आप थोड़ा फ्लो चार्ट के फॉर्म में शो कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आपने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें आपने इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी सारी शो कर दी, या फिर आप ट्री टाइप स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, क्लियर। जैसे इस तरह से आप इसकी नोट्स शो कर सकते हैं कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह से कुछ। तो फ्लो चार्ट के भी मार्क्स होते हैं इन, अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज इंक्लूड जरूर करें, फ्लो चार्ट, डायग्राम या एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आप अपने क्वेश्चन के रिलेटेड कर सकते हैं, ये बहुत स्कोरिंग होती है, यही आपका पेपर का जो प्रेजेंटेशन है ना डिफरेंट बनाती है उस चीज को। प्रेजेंट तो देखो लिखो तो हर कोई देता है, मटेरियल हर किसी के पास होता है लिखने के लिए, लेकिन द वे यू प्रेजेंट योर पेपर मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप ईच पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब जब आपका क्वेश्चन ये सारा कंप्लीट हो गया, हमने स्टार्ट कहां से किया था, इंट्रोडक्शन से, तो एंड हम कहां पे करेंगे, कंक्लूजन से। ये बहुत जरूरी है, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड एंड हमने करना है कंक्लूजन के साथ। तो आपको सीधा हेडिंग देने की जरूरत नहीं है कि कंक्लूजन हम लिखने वाले हैं, जैसे आप हेडिंग नहीं देंगे कि इंट्रोडक्शन हम लिखने वाले हैं, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूं कि ये चीजें आपने लिखनी है, ये चीजें हेडिंग नहीं देनी आपने। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, एट द एंड वी कैन से दैट, सो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट, ये चीजें लिखकर आप पूरे क्वेश्चन में जो आपका निचोड़ है क्वेश्चन का, ठीक है, उसको 4-5 लाइंस में आपने कंप्लीट कर देना है क्वेश्चन, यहाँ पे दी एंड कर देना है, ठीक है। तो हर लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसी तरह से अटेम्प्ट होगा। तो अगर आपने इस तरह से इसको अटेम्प्ट किया विद फ्लो चार्ट्स एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो आपके नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, क्लियर। तो अब बात आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो इनके लिए भी जैसे आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होता है, 9th क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो इसके फर्दर सब पार्ट्स होते हैं, 9 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है इस पेपर में। क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है ना, तो अगर आपका कंसेप्ट पेपर का क्लियर है, आप हर सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रीड करें, उसमें आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आता है आपको जो भी उसके बारे में मालूम है वो जरूर लिख के आइए, और कोई भी पार्ट आपको उसका मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया तो चांसेस ये भी होते हैं कि आप जो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट नंबर लिखने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 3rd पार्ट नहीं आता तो आप 4th पार्ट लिखने की बजाय यहाँ पे 3rd पार्ट लिख देते हैं, बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो आगे वाले समझ लीजिए सारे क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होने वाले, क्योंकि सिर्फ एक पार्ट के कारण, क्लियर। तो एक तो आपको कोई भी पार्ट छोड़कर नहीं आना है उसको। ये देखिए अगर आपका सपोज करिकुलम डेवलपमेंट का पेपर है तो नेचुरली करिकुलम सिलेबस, ठीक है, इन चीजों के रिलेटेड ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप थोड़ी करिकुलम की इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से इसमें लिख कर आ सकते हैं ना, उसको ब्लैंक मत छोड़ना, क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 1 या 1 से
डेढ़ पेज के बीच में अटेम्प्ट करने हैं, इससे ज्यादा मत करना वरना आपके जो शीट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके पास 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे का टाइम है ना, तो 2 घंटे तो समझ लीजिए आपके जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में और 1 घंटा आपका जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। क्लियर? एस्टिमेट लगा के चले कि आपके पास 25 मिनट्स में आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 5-10 मिनट तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन डिसाइड करने में या सो ऑन कुछ इस तरह से लग जाते हैं। ठीक है, तो 25 मिनट्स में आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बस ये देख लो कि टाइम जब आपका 1 घंटा रह गया, समझ लो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन करने का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया। अगर आप लेट करेंगे तो आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। क्लियर? तो ये तो थी 70 मार्क्स के पेपर की बात। अगर हम बात करते हैं 35 मार्क्स के पेपर की, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। टाइम मैनेजमेंट इसमें क्या है, इसमें हमने 1 क्वेश्चन करना है, इसमें भी 1 क्वेश्चन करना है, तो समझ लो 1 घंटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन करने में जाएगा और जो बाकी के 30 मिनट बचे हैं, 30 या 35 मिनट आपके पास बचने चाहिए, वो जाएंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। क्लियर है? और जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको आपने बिल्कुल टू द पॉइंट एक्सप्लेन करना है, 1 या 1.5 पेज से ज्यादा नहीं करना है। क्लियर? सिर्फ प्रेजेंटेशन भी मैटर नहीं करती है। देखिए बच्चों कई क्या करते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा लिख देते हैं लेकिन उसमें अगर पढ़ने जाओ तो होता कुछ भी नहीं है। तो आपका मटेरियल भी सॉलिड होना चाहिए कि जो चीज आप लिख रहे हैं वो प्रॉपर पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए उसमें। क्लियर? सो ये जो पैटर्न है ये सभी के लिए है, चाहे आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है या 4th सेमेस्टर का है, बीएससी बीएड का पेपर है, तो ये बच्चों सभी के लिए ये पैटर्न फॉलो होता है। क्लियर? तो इसी तरह से आपको ये करना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स, मैं आपके साथ 2 या 3 लिंक शेयर करने वाली हूँ, वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें आपको काफी कुछ और बातें मैं बताना चाहती हूँ, वो पहले से अपलोड की हुई है तो वो आप जरूर देखिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।